हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आपके जो रीट एग्जाम के लिए, चाहे वो लेवल वन हो या लेवल टू, साइकोलॉजी का जो आपका एग्जाम होता है 30 मार्क्स का, एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक से ही आपका एग्जाम जो है वो, वहाँ प्रश्न जो है वो बनाए जाते हैं। तो आज आपका पता लग जाएगा कि आपने कितने अच्छे से टॉपिक जो है वो याद किए या समझे, और कितने प्रश्न आप हल कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि टॉपिक ही पढ़ना काफी नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, विकास कैसा परिवर्तन है। फर्स्ट है गुणात्मक, बी है रचनात्मक, सी है गणनात्मक और डी है नकारात्मक। तो विकास जो है वो कैसा परिवर्तन है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही होगा कि विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, जीन पियाजे द्वारा संरक्षण का प्रत्यय से तात्पर्य है कि, ऑप्शन वन है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, सी है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा पढ़ा तो आपको जीन प्याजे की थ्योरी में ये चीज समझ में आई होगी। हमने देखा था वहां पर संरक्षण जो है वो शब्द आया था, कंजर्वेशन जिसे कहते हैं, तो उसका क्या तात्पर्य है। तो आंसर होगा, देखिए वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, जीन पियाजे की थ्योरी में हम ऐसा कुछ तो पढ़ते ही नहीं है। ए ऑप्शन देखिए, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, ये भी हमें नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, यानी बाहरी आकृति चाहे कितनी भी बदल जाए लेकिन उसमें जो भी मटेरियल है वो समान रहता है, ये समझ जाते हैं। तो ये क्या था, कंजर्वेशन। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई एक ग्लास पानी जो है वो दो ऐसे अलग अलग बर्तन, जो एक तो चौड़ाई में हो और एक लंबाई में हो, तो अगर उसमें एक ग्लास पानी जो है वो डाल दिया जाए तो बच्चा जो है वह नहीं समझ पाता है, वह तो ये देखता है कि जो लंबाई में जा रहा है उसमें पानी ज्यादा है और जो चौड़ाई में जा रहा है उसमें पानी कम है। तो वही था कंजर्वेशन, यानी कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, हिंज या हाइनज दुविधा का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है, शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से है, नैतिक विकास से है या भाषिक विकास से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ी है तो आप फटाफट ही इसको देख लेंगे। हमने कोहल वर्ग की जो थ्योरी देखी थी उसी में हाइनस दुविधा का संबंध किससे था, नैतिक विकास से। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन वन है समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, नेक्स्ट है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, थर्ड है सामाजिक समूह बनाना या उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन जो है वो सभी इतने प्यारे लगते हैं एग्जाम में कि ऐसा लगता है कि सभी राइट होंगे, लेकिन ऑप्शन तो एक ही राइट होता है। तो देखिए इसमें आंसर होगा दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। अब देखिए ये दो ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, यहाँ पर पूछा है सामाजिक विकास की बात, वो भी मनोविज्ञान में, तो प्रतिष्ठित स्थान तो वो उसका व्यक्तिगत विकास हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से डी ऑप्शन जो है वो भी नहीं होता है। अब बी और सी में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर केवल सामाजिक समूह बनाना मनोविज्ञान में सामाजिक विकास का अभिप्राय नहीं हो सकता है, ठीक है, ये केवल की बात हो गई क्योंकि एक ही पक्ष की बात करता है। बी ऑप्शन देखिए, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना, यही है मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से अभिप्राय। नेक्स्ट है पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया, पहचान संकट का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया, वह यह किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है एरिक्सन किशोरावस्था, नेक्स्ट है ऑलपोर्ट शिशु अवस्था, सी है एरिक्सन बाल्यावस्था या कैटल प्रौण अवस्था। तो जिस बच्चे ने अगर थ्योरी देखी है उनको तो पता होगा इसका आंसर कि पहचान संकट का संप्रत्यय जो है वो किसने दिया, फर्स्ट तो ये बात है। तो इसका सही आंसर होगा कि एरिक्सन, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो दिया था। तो पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया,
एरिक्सन ने, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं यह किस अवस्था से संबंधित है। तो जो पहचान संकट है, जो हमने देखा था कि बच्चा जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो खोजता है, अगर उसमें पास हो जाता है तो ठीक, और नहीं हो पाता है तो वो उसके लिए संकट की अवस्था हो जाती है। तो ये एरिक्सन की किशोरावस्था से संबंधित है। तो वहां पर हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था कि हम कैसे याद रखेंगे कि यह पहचान संकट जो है वो किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देखिएगा, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है। तो मूल प्रवृत्तियां, अब देखिए ये भी एक थ्योरी से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 क्या है, निवृत्ति, उसके साथ घृणा, शरणागति, करुणा, संतान कामना, वात्सल्य, युयुत्सा, भय। तो कौन सा जोड़ा जो है वो मिल नहीं रहा है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो 14 मूल प्रवृत्तियां थी, यदि आपको वो याद हैं तो आप इनमें से सही आंसर पर पहुंच पाएंगे। देखिए यहां पर निवृत्ति जो है वो घृणा, ये बिल्कुल सही है। करुणा के साथ शरणागत, ये भी ठीक है। वात्सल्य, उसके साथ संतान कामना, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए युयुत्सा और भय, ये एक दूसरे से मेल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्रोध आएगा तो युयुत्सा यानी कि युद्ध की भावना आएगी, और भय आएगा तो उसके साथ पलायन का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों मेल नहीं खाते हैं, तो इसीलिए ये जोड़ा जो है वो संवेग के अनुरूप सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाली तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमने इसे भी बहुत ज्यादा अच्छे से तरीके से समझा था, और मैंने आपको इतना अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि आपको एक बार में ही वो चीज समझ में आ जाए। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या था, जिसे हमने देखा था कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बच्चे ने खुद जो कार्य किया वो वाला दायरा, और किसी ने हेल्प की, उसके बीच में जो अंतर है वही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो आंसर क्या होगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाली तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर। नेक्स्ट है 8, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था है, कौन सी अवस्था है, पहली संवेदी गामक अवस्था, मूर्त प्रयोगों का कार्य, औपचारिक संक्रियात्मक कार्य, और प्राक संक्रिया अवस्था। तो इसका आंसर तो सभी बता दोगे कि पियाजे के अनुसार विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें फर्स्ट कौन सी है। बिल्कुल सही है कि जो संवेदी गामक अवस्था है ये फर्स्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस माह में बोलते हैं। तो देखिए प्रोफेसर स्मिथ का हमने देखा था, जो भी मैंने आपको बताया था कि भाई इस माह में इतने शब्द बोल लेते हैं, फिर इतने माह में इतने शब्द, फिर इतने माह में इतने वाक्य, और वो पूरा सेंटेंस जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां से ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ए है 3 माह में, 6 माह में, 8 माह में, या 10 माह में एक पूरा सार्थक शब्द। तो कौन से माह में बोल लेता है बच्चा, तो इसका आंसर होगा 10 माह में। यदि यहां लिखा होता 10 या 12 माह में तो वो भी सही आपका आंसर होता, यानी 10 माह और 12 माह के बीच में वो एक सार्थक शब्द बोल लेता है, और उसके बाद उन सार्थक शब्दों को बोलने की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। संवेदात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकंड है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, और प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, वंशानुक्रम के सिद्धांत से असंगत है, कौन सा वंशानुक्रम के सिद्धांत में नहीं आता है, समानता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, और विभिन्नता का सिद्धांत।
तो वंशानुक्रम के सिद्धांत में कौन सा यहाँ पर नहीं है? देखिए, समानता का सिद्धांत वंशानुक्रम का सिद्धांत है, क्योंकि हम देखते हैं कि विकास के सिद्धांत के अंतर्गत या वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत समानता का सिद्धांत है कि भाई माँ बाप जैसे होंगे उन्हीं की तरह उनका बच्चा जो है वो होता है। लंबे माँ बाप के लंबे बच्चे होते हैं, छोटे माँ बाप के छोटे बच्चे होते हैं, ये होता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत भी हमने पढ़ा था, विभिन्नता का सिद्धांत भी हमने पढ़ा था, लेकिन तत्परता का सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि तत्परता का सिद्धांत जो है वो अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 12। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। जोड़े पूछा है यहाँ पर, ए है ऑप्शन 22, बी है 23, सी है 44 और डी है 46। तो इसका आंसर तो सभी जानते हैं कि गुणसूत्र जो कुल होते हैं वो होते हैं 46, लेकिन यहाँ जोड़े पूछे हैं तो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं वो तो समान होते हैं स्त्री और पुरुष में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिर का विकास है वो पहले हो रहा है और पैरों का हो रहा है बाद में। यह विकास की कौन सी प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन है प्रॉक्सीमोडिस्टल, सफेलोकॉर्डल, समरूपता या एकीकरण। तो यहाँ जो दो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाते हैं, समरूपता और एकीकरण, क्योंकि हमने देखा था विकास के दौरान दो अवस्थाएं जो हैं वो मैंने आपको डायग्राम से भी दिखाई थी। तो ये कौन सी अवस्था है? तो मैंने आपको बताया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर भ्रूण के सिर से पैर का हो रहा है, तो ये हमने किसमें देखा था, प्रॉक्सीमोडिस्टल में नहीं, सफेलोकॉर्डल में देखा था। किसमें देखा था, सफेलोकॉर्डल में, क्योंकि प्रॉक्सीमोडिस्टल क्या था, इसमें विकास जो है वो मध्य से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, और सफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सर से पैर की तरफ। नेक्स्ट है 14। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्ष से होती है, यह अवस्था है। अब देखिए, प्रश्न जो है उसकी लैंग्वेज को समझा करिए कि बालकों की सोच जो है वो अमूर्तता की अपेक्षा, यानी अमूर्तता की नहीं हो रही है, सोच मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्ष से हो रही है, यानी मूर्त वस्तुओं को देखकर वो सोच रहा है। तो ये कौन सी अवस्था है, 12 से 18 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष और 7 से 12 वर्ष। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन कि हमको ध्यान किस पर देना है, कि मूर्त अनुभव और प्रत्यक्ष के बारे में वो सोच पा रहा है। तो अगर जीन प्याजे की थ्योरी को ही देखें हम, तो आंसर फटाफट से आप लगा पाओगे। तो इसका आंसर होगा कि जो थर्ड स्टेज होती है, आपकी तीसरी अवस्था है जीन प्याजे की, वही हम देख लेते हैं कि 7 से 12 वर्ष बच्चा जो है वो मूर्त वस्तुओं को देखकर सोचना प्रारंभ कर देता है, और उसके बाद 12 से 18 वर्ष में वह अमूर्त वस्तुओं को देखकर भी चिंतन करता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन जो है, जब हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इनकी विशेषताएं पढ़ी थी, तो वहां से ये प्रश्न जो है वो लिया गया है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना होती है, खुद सोचिए। तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था, क्योंकि देखिए शैशवावस्था में तो बच्चा इतना बड़ा ही नहीं होता है कि वो इन चीजों को समझ पाए। बाल्यावस्था में उसके अंदर स्व सम्मान की भावना नहीं आती है। सबसे अधिक किस में आती है, किशोरावस्था में। अगर यही स्व सम्मान की भावना जो है, इसका नेगेटिव रूप क्या होता है, ईगो। अगर बच्चे को यह सम्मान नहीं मिलता है तो वो ईगो की तरफ भी बढ़ जाता है, उसका अहम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16। विधायकता को हम रचनात्मकता कहते हैं। ठीक है, रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या शिशुवस्था। तो इनमें से कौन से में विकसित होती है? विधायकता, जो मैंने बता दिया आपको, रचनात्मकता, तो रचनात्मक जो है प्रवृत्ति का बालक जो है वो किस अवस्था में विकसित होगी? इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास या कह दो त्वरित विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? ऑप्शन है स्टैनले हॉल ने 1904 में, थॉर्नडाइक ने 1904 में, क्रो एंड क्रो ने 1904 में या हॉलिंगवर्थ ने 1904 में। तो इसका सही आंसर होगा स्टैनले हॉल 1904 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में जो डेफिनेशन दी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किशोरावस्था जो है वो तनाव तूफान की अवस्था है, क्योंकि वो प्रश्न जो है वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है बालक का विकास परिणात्मक है, यानी किसका परिणाम है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, वातावरण का, उपरोक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास है वो किसका परिणाम है? तो आंसर है इसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। और अगर पूछा जाता कि बालक की वृद्धि जो है वो किसका परिणाम है, तब आप क्या करते? वंशानुक्रम। नेक्स्ट है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति हमारे आसपास का वातावरण को कहेंगे, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं को कहेंगे, एक व्यक्ति की मूल प्रकृति को कहेंगे या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियों को कहेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक, जब मैंने आपको प्रकृति पोषण के बारे में बताया था कि नेचर और नर्चर, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में अगर इन दोनों का डिफरेंस ही आपको नहीं पता है तो इसका आंसर देने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ प्रकृति यानी कि नर्चर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आपका आंसर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति किसको कहेंगे, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं को, ठीक है। और अगर यहाँ पूछा जाता कि प्रकृति पोषण विवाद में पोषण, पोषण का क्या अर्थ है, तब हमारा आंसर होता हमारे आसपास का वातावरण। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उसके सिद्धांत की एक अवस्था है? तो कोहल वर्ग की थ्योरी आपने देखी है, पढ़ी है। कोहल वर्ग की थ्योरी का नाम क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इनमें से, इन चारों में से एक अवस्था ऐसी है जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की है, बाकी नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो यहां पर सही आंसर होगा परंपरागत अवस्था, ठीक है। क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक अवस्था, मूल संक्रियात्मक, ये तो जीन पियाजे की थ्योरी है। तो देखिए इस तरीके से हमने मात्र 20 प्रश्न में ही कंसेप्ट जो है वो बहुत सारे क्लियर भी किए हैं, और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही उठकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4-5 थ्योरी जो है उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो भी हल किए। अब पढ़ना आपको ही है, बिना पढ़े आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजी के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, वीडियोस को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।